पता है आज मैं कैसी प्रॉब्लम के बारे में जिक्र करूंगा जो लगभग आप सबने फेस करी होगी। जब हम छोटे थे तो ज्यादातर हमें मैथ अच्छी लगती थी, 2 + 3 = 5, 2 × 3 = 6। लेकिन जैसे ही कहानी में एंट्री होती है अलजेब्रा की, तो मैथ ऐसे ऊपर से जाने लगी जैसे शोएब की बॉम्ब। क्या आप जानना चाहेंगे वो कौन इंसान था जिसने अलजेब्रा की शुरुआत करी? उनका नाम मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्म था, जो उज़्बेकिस्तान के बहुत बड़े मैथमेटिशियन, ज्योग्राफर, स्कॉलर थे। इनकी बुक अलजेब्रा के नाम पे ही अलजेब्रा नाम पड़ा। यहाँ तक जो एल्गोरिथम हम आज यूज करते हैं, हर फील्ड में उसके बारे में बताने वाले ही पहले इंसान थे। एल्गोरिथम वर्ड इनके नाम अल ख्वारिज्म को लैटिन में ट्रांसलेट करके ही लिया गया है। यहाँ तक कि इन्होंने मैथ्स के हिंदू कॉन्सेप्ट और उनके सिंबल्स को अपनी बुक में एक्सप्लेन किया, जिस बुक को बाद में जब लैटिन में ट्रांसलेट किया तो हमें आज के जमाने के 1 2 3 4 5 ये सब नंबर्स मिले। आपको मैथ्स कैसी लगती थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।